आज आगरा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीता हरित ने दलितों के नेता जगजीवन लाल की जयंती मनाने के लिए आज अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता रखी 5 अप्रैल को, और बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, दलित नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, और उनके सम्मान में मैं एक प्रेस रिलीज जारी करना चाहती हूँ कि संपूर्ण दलित समाज आगरा का, और न सिर्फ आगरा का बल्कि देश का, और सभी कांग्रेसी, दलित कांग्रेसी, उनको आज नमन करता है। मैं उनकी तरफ से उनकी आवाज़ बनकर आपके सामने ये बात रख रही हूँ। देखिए, उस समय की जो परिस्थिति थी, उसमें किस तरह से ये बातें हुई, उनके बारे में आज चर्चा न करके जो उनका जो योगदान था कांग्रेस के मंच पर समाज के प्रति, उस योगदान की सराहना करते हुए और उनके जीवन संघर्ष को आत्मसात करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ आपके सामने आई। प्रधानमंत्री बनाया न बनाया या कौन बनाने वाला है न बनाने वाला है, इस मुद्दे में हम लोग जज न करें तो अच्छा है। हाँ, उनके जीवन संघर्ष से हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो दलितों के हितों की रक्षा दलित नेता करेंगे? आपने कहा कि दलितों के नेता काफी आए, हाँ, दलितों के हितों की रक्षा दलित नेता करेंगे या सरकारें और व्यवस्था करेंगी? उनकी आवाज़ तो वही पहुँचाएंगे। हाँ, आवाज़ पहुंचाने के बाद काम कौन करता है? सरकार करती है ना, व्यवस्था करती है ना। तो आवाज़ तो बुलंद की, ऐसी बात नहीं, आवाज़ बुलंद नहीं की, लेकिन उस व्यवस्था में दलितों के लिए सम्मान की जो कमी रही, उसके कारण वो मुद्दे कभी भी संभल नहीं पाए, उनका समाधान नहीं हो पाया। मैडम, तो आवाज़ होनी चाहिए, मजबूत आवाज़ होनी चाहिए, वो आवाज़ कोई नहीं उठा। मैडम, तो बहुत आए। मैडम, अरेस्टा वेस्टलैंड केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उसमें 540 करोड़ रुपए की दलाली की बात कही जा रही है। एक नाम अहमद पटेल जी का है, दूसरा नाम आरजी से आप समझ रही होंगी, राहुल गांधी जी का नाम है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? ये मैटर बहुत ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का है, मैं ऑफ एंड एसेस के बारे में क्या कह सकती हूँ, और मुझे बेकार की बातें थोड़ी करनी है, मुद्दों की बात करनी। राजनीति में देखिए सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। वो व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ है जो उन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए सफल हो पाए। डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो हुआ, बावजूद उसके डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून और विधि मंत्री बने, पहले कानून और विधि मंत्री बने, उन्होंने संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने देश के हर तबके का, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा, सबके समान अधिकारों की बात की। तो किसी ने उस समय के संकीर्ण विचारधारा के लोगों ने उनको रोका। देखिए, कांग्रेस तो थी, कांग्रेस क्या होती है, ये आप पत्रकारों का समूह ये बैठा हुआ है यहाँ पे, हर पत्रकार निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानता है, मैं उसको जानती हूँ, मुझे हर व्यक्ति की प्रकृति मालूम है, स्वभाव मालूम है, कौन तेज है, कौन तर्रार है, कौन कैसा है, सब मालूम है मुझे। तो ये आपका जो व्यक्तिगत जो स्वभाव है, वही स्थिति हर संस्था में होती है। संस्था हो कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संस्था हो, उसमें जो व्यक्ति जो टॉप पे होते हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में जिसे कहते हैं हुज हु, वो व्यक्ति निर्धारित करते हैं कि संस्था में क्या होगा क्या नहीं होगा। देशद्रोह का मुकदमा भी वापस लिए जाने की बात की जा रही है, इसमें क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ कि व्यक्ति विशेष को चुन चुन कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। कोई संस्था, कोई सरकार तभी यह काम कर सकती है जब उसके पास कोई
मापदंड हो, कोई माप जिसे कहते हैं ना, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, ऐसे ही हर किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के उठा उठा के जेलों में भेज, यानी कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही तो बात, पाकिस्तान जेएनयू में जो हुआ था, कल ताजमहल में भी हुआ, कल ताजमहल में भी हुआ है, तो उनको उठा के डालेंगे ना अंदर? ये सब कांग्रेस की घोषणा पत्र जो है उसी से हो रहा है। अभी अगर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो क्या अब उसके लिए हमारे किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को या मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते, लेकिन उस पे भी तो कोई किसी भी जुलूस में या किसी भी राजनीतिक किसी भी रैली में हो सकती है। लोगों के मन में कहां विकृति है, कहां नकारात्मक सोच है, उस पर कंट्रोल नहीं। तो आप लोगों को विशेष को पकड़ा जाए, स्वतंत्रता देना चाहते हैं आप? किस चीज की? किसी भी चीज की, इस हद तक कि वो कुछ भी कर सके? नहीं, बिल्कुल कानून है, कानून के सामने सब बराबर है। तो जो दोषी है उसको पकड़िए, उसको पकड़ के अंदर जो भी उसके साथ कानूनी कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन अभी यहाँ 100-500 लोगों में से कोई एक व्यक्ति इस तरह का कोई नारा लगा दे तो क्या उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या मैं किसी के जबान को रोक सकती हूँ अगर कोई ऐसा कर सकता है तो? कोई भी, मैं अपने कार्यालय की बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं, हम लोग जाते हैं रोज, हम इतना सारा पब्लिक जनसंपर्क साधते हैं, जनता के हमारे देश में किसी को अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसका वो दुरुपयोग करता है तो उसमें कानून है, कायदे हैं, रूल्स हैं, CRPC है, सिविल प्रोसीजर है, सब कुछ है, उसको पकड़िए, मारिए, गिरफ्तार करिए। इस वार्ता के दौरान कार्यालय पर एक बाहरी व्यक्ति द्वारा मीडिया को अपशब्द कहे जाने पर विवाद हो गया, जैसे तैसे करके मामले को संभाला गया। बकवास करते हो, एक अखबार छाप लिया, उसके फ्रंट पे बैक पेज पे मेंशन छाप लिया, किसी को प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है। जैसा एक बोला दूसरा देश का जनरल सेक्रेटरी, मैं वाइट दे देता हूँ, वाइट नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो किसी का पढ़ा लिखा और सीखा सिखाया आदमी है, हमें नहीं मालूम कौन है। आपके आपके कार्यालय में आके आपके कार्यालय में कैसे आया हूँ? आपकी पार्टी का कोई से भी गुप्ता हो सकता है, कोई भी है आपकी पार्टी का। बताओ वो कौन है जो बैठे रहते हैं यहाँ पे? लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।